नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं प्रकाश गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 1 नवंबर है, हमारे राज्य का 24वां स्थापना दिवस। कुछ लोग 23-23 कर रहे होंगे, 24वां है। ठीक है, कैसे है तो आ जाना मेरे पास, कोको रायपुर में समझा दूंगा। ठीक बात। और इसी उपलक्ष्य में 31 अक्टूबर 2023 तक के जो करंट अफेयर्स है उन सभी को लेकर मैं आप सभी के सामने क्या हो चुका हूं। और क्या करते हैं, फटाक से बिना टाइम को वेस्ट करे अपन शुरू करते हैं। और खाली स्लाइड आ चुका है। खाली स्लाइड मतलब यहाँ पर एक साहित्यकार है, आज हम साहित्यकारा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साहित्यकारा जो है उनका नाम है डॉक्टर शैल चंद्रा जी। ठीक है, तो डॉक्टर शैल चंद्रा ये साहित्यकारा है। अब इनके योगदान की अगर आप बात करोगे तो इनका योगदान छत्तीसगढ़ी भाषा में भी है और हिंदी भाषा में भी है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी भाषा में इनकी रचना है बुढ़ी अब सुनना होगे। क्या रचना है इनकी, गुड़ी अब सुनना होगे। अच्छा, अब ये जो रचना है ये क्या है, तो ये है लघु कथा संग्रह। समझ में आया कि नहीं आया, तो गुड़ी अब सुनना होगे छत्तीसगढ़ी भाषा में डॉक्टर शैल चंद्रा द्वारा रचित है और ये लघु कथा संग्रह है। ठीक है कि नहीं है। हिंदी में आएंगे तो है विडंबना। विडंबना जो है ये भी क्या है, लघु कथा संग्रह। वंस अगेन, लघु कथा संग्रह है, शॉर्ट स्टोरीज का कह लो, क्या है एक कंपाइलेशन। गुड़ी अब सुनना होगे छत्तीसगढ़ी में, हिंदी में बोलोगे तो क्या है, विडंबना। ठीक है भाई, हिंदी में नेक्स्ट क्या है, तो है इक्कीसवीं सदी में भी, और ये क्या है, तो ये है काव्य संग्रह। तो हिंदी में अगली रचना क्या है, 21वीं सदी में भी, और ये बेसिकली क्या है, तो ये काव्य संग्रह है। समझ में आया कि नहीं आया, तो हिंदी में विडंबना, लघु कथा संग्रह और 21वीं सदी में भी, जो कि क्या है, एक काव्य संग्रह है। अच्छा, हिंदी में नेक्स्ट देखोगे तो आपको मिलेगा जुनून एवं अन्य कहानियां, और नाम से ही पता चल जाएगा ये कहानियों का संग्रह है। ये क्या है, तो कहानी संग्रह। समझ में आया कि नहीं आया, तो ये क्या है, कहानी संग्रह, जुनून एवं अन्य कहानियां। और फाइनली लास्ट है घोंसला, और ये जो घोंसला है ये भी है लघु कथा संग्रह। अब आपको लगेगा कि ये सब याद कैसे करना है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले आप जो साहित्यकार हैं उनके नाम को रट डालो, डॉक्टर शैल चंद्रा, डॉक्टर शैल चंद्रा। अब इसके बाद एक सेंटेंस याद रखना, क्या याद रखोगे, तो ध्यान रखना 21वीं सदी में भी ये विडंबना है, 21वीं सदी में भी ये विडंबना है कि जून के मास में, कौन से मास में, जून के मास में गुड़ी क्या है, सुनना है। समझ में आया, तो सेंटेंस क्या याद रखोगे, 21वीं सदी में भी ये विडंबना है कि जून के मास में गुड़ी अब सुनना है। क्लियर है। अब इस सेंटेंस को अगर आप याद करो तो देखिए, 21वीं सदी में भी, इससे आपको एक रचना मिल गई जो कि क्या है, काव्य संग्रह है। ठीक बात है, विडंबना है तो विडंबना मिल गया क्या, लघु कथा संग्रह। फिर अगला जून के मास में, तो जून से याद रहेगा जुनून एवं अन्य कहानियां, जो कि क्या है, कहानी संग्रह है, तीसरा याद हो जाएगा। उसके बाद छत्तीसगढ़ी भाषा में मैंने आपको लास्ट में बताया था जून के माह में गुड़ी क्या है, सुनना है, तो क्या याद हो जाएगा, गुड़ी अब सुनना होगे। तो चार तो यहां से याद हो जाएंगे जो हमने सेंटेंस बनाया, कि 21वीं सदी में भी विडंबना है कि जून के मास में गुड़ी क्या है, सुनना है। अब ध्यान रखना, गुड़ी
गुड़ी बोले तो स्थान, घर, ठीहा। तो चिड़िया लोग का गुड़ी क्या है? घोंसला। तो गुड़ी से आप इस घोंसला को कनेक्ट करके याद रख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जो साहित्यकार हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है श्रीमती, या डॉक्टर कह लो तो ज्यादा बेहतर है, डॉक्टर शैल चंद्रा। ठीक है, तो साहित्यकार हैं डॉक्टर शैल चंद्रा, और छत्तीसगढ़ी और हिंदी दोनों में इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, योगदान है। छत्तीसगढ़ी में इन्होंने किसकी रचना की है? तो है गुड़ी अब सुनना होगे, जो कि क्या है? लघु कथा संग्रह। और हिंदी में विडंबना, लघु कथा संग्रह। फिर 21वीं सदी में भी जो कि क्या है? काव्य संग्रह। फिर क्या है? जुनून एवं अन्य कहानियां, जो कि कहानी संग्रह है। और फाइनली घोंसला, जो कि लघु कथा संग्रह है। सेंटेंस क्या बताया याद रखने के लिए? 21वीं सदी में भी विडंबना है कि जून के मास में गुड़ी अब सुनना है। ठीक है कि नहीं है? एकदम कविता राइमिंग हो गया ये तो। ठीक है, पर याद रखना गुड़ी मतलब स्थान, ठीहा घर। तो चिड़िया लोग का गुड़ी क्या है? घोंसला। इस प्रकार से याद हो जाएगा। अच्छा, अब पिछले वीडियो के क्वेश्चंस को ले लेते हैं। चार क्वेश्चन मैंने दिए थे, इनके आंसर्स को देख लेते हैं। तो क्या है? स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन कब से कब तक किया? अब उस समय जा रहा है था, अब हो गया किया गया। तो ध्यान रखना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, ये जो योजना है, इसके अंतर्गत 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। समझ में आया? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के अंतर्गत 15 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान का क्या किया गया था? आयोजन। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या है? ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर कौन से अवार्ड से पुरस्कृत किया गया? तो ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, एक्सेलेंट वर्क करने के लिए छत्तीसगढ़ को स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। याद होगा आपको, पिछले वीडियो में देखा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिए। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला इथेनॉल प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? तो आपको मैंने लास्ट में बताया था कि जिला कबीरधाम है, और वहां पर जो भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना है उसी बगल में बना है क्या? इथेनॉल प्लांट छत्तीसगढ़ का पहला बनकर तैयार। और मैंने बताया था इसकी कैपेसिटी, याद है कि नहीं है? नहीं याद है, पुराना वीडियो देखो। चलो लास्ट क्वेश्चन फोर्थ। छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी कहां बनकर तैयार हुई? तो छत्तीसगढ़ की पहली टेनिस एकेडमी जो है ये बनकर तैयार हुई कहां पर? रायपुर में। कहां बनकर तैयार हुई है? रायपुर में। ठीक है, चलिए। तो यहां पर क्वेश्चंस वाला सेक्शन तो खत्म हो गया। हम सबसे पहले अपने फर्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर का क्या किया है? शुभारंभ किया है। ठीक है, अब स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर के नाम से ये योजना आई है, और ये जो योजना है इसे स्कूल शिक्षा विभाग, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसके द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, अब इस योजना की शुभारंभ कब हुई है? तो इस योजना का शुभारंभ है 3 अक्टूबर। 3 अक्टूबर को इस योजना का शुभारंभ हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल जी ने क्या किया है? इसको शुरू किया। ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात है। अब इसमें होगा क्या? तो ध्यान रखना, इसमें क्या किया जाएगा? तो हमारे राज्य के जो 146 विकास खंड हैं, ब्लॉक्स हैं, इनके मुख्यालयों में, ठीक है, और 4 शहर कौन कौन से? तो रायपुर है, दुर्ग है, बिलासपुर है और कोरबा। यहां पर 150, तो 146 तो विकास खंड हो गए, 146 तो ब्लॉक्स हो गए, और 4 शहर कौन कौन से हैं? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा। तो इन चारों को मिला दो तो 146 में 4 जोड़ोगे आ गया कितना? 150। तो यहां पर 150 कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे, और इसके माध्यम से जो शासकीय स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें क्लास 12th के जो विद्यार्थी हैं, 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी। किसकी? नीट की और जेईई की। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस योजना के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? तो हमारे राज्य का गरीब से गरीब छात्र जो है उस तक भी बेहतरीन फैसिलिटीज, कोचिंग फैसिलिटीज जो है वो क्या हो सके? पहुंच सके। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है?
लगभग प्रत्येक कोचिंग सेंटर का स्ट्रेंथ जो है ना ये लोग 75 से 100 के बीच में रखने वाले हैं, जिसमें इनका प्लान है कि 50 बच्चे जेई के रहेंगे और 50 बच्चे किसके रहने वाले हैं, नीट के। समझ में आया? ठीक बात है। अब इसमें पात्रता कैसी होगी भाई, किसको किसको कोचिंग मिलेगा? तो इन 50 छात्रों में आने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, दसवीं में कम से कम 60 से ज्यादा परसेंट लाना पड़ेगा। समझ में आया? तो 60% से ज्यादा जिनके दसवीं में आए हैं ऐसे छात्र क्या होंगे, पात्र होंगे। और बारहवीं में अध्ययनरत जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको ये कोचिंग दी जाएगी। क्लियर है कि नहीं है? ठीक। तो मेरे हिसाब से टॉपिक को तो आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। इंपॉर्टेंस की अगर बात करोगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में, तो योजना की शुरुआत कब की गई, 3 अक्टूबर, किसके द्वारा की गई, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। 3 क्वेश्चन हो गया, कितने कोचिंग खुलेंगे, 150, ये 4। तो ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव्स बन सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? सब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करोगे तो इस योजना को आप स्वयं क्या करो, 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना कि ये क्या है भाई योजना। समझ में आया? स्वामी आत्मानंद कोचिंग सेंटर योजना, 30 वर्ड्स में आ जाएगा। इसके अलावा शिक्षा से, एडुकेशन से संबंधित अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसे आता है तो आप इसको भी डाल सकते हो कि राज्य सरकार इस प्रकार के स्टेप्स ले रही है ताकि गरीब से गरीब छात्र के पास भी अच्छी फैसिलिटीज जो है वो क्या हो जाएं, अवेलेबल हो जाएं। आई होप इसको बहुत प्रॉपरली आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सांकरा, ठीक है कि नहीं है? क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सांकरा। इसको क्या मिला है, NQAS, ठीक है, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। इसके लिए क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है, NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस, और उसके बाद क्या है, सर्टिफिकेट। NQAS का क्या मिला है, सर्टिफिकेट मिला है। किसको मिला है भाई, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सांकरा को। क्यों मिला देखिएगा, केंद्रीय मूल्यांकन टीम जो है, सेंट्रल इवैल्यूएशन टीम, इसने यहां पर 5 विषयों की क्या करी है, जांच करी। कौन कौन सी, तो एक है इनका लेबर रूम, प्रसव कक्ष, फिर ओपीडी, आईपीडी, लैब, और उसके बाद जितने राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उनके क्रियान्वयन पर भी यहां जांच की गई, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इस पर मूल्यांकन किया गया, इवैल्यूएशन किया गया, दस्तावेजों का क्या किया गया, परीक्षण किया गया, जितने डॉक्यूमेंट्स थे उन सबको भी क्या किया गया, वेरीफाई किया गया, साथ में स्टाफ और मरीजों का क्या किया गया, इंटरव्यू लिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? तो सेंट्रल इवैल्यूएशन टीम जो है, केंद्रीय मूल्यांकन टीम ने 5 विषयों पर क्या किया है, काम किया। क्या क्या, तो सबसे पहले लेबर रूम का परीक्षण किया, उसके बाद फिर ओपीडी, आईपीडी, उसके बाद फिर लैब, और उसके बाद राष्ट्रीय कार्यक्रम जो नेशनल प्रोग्राम्स है उनका क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन जो हो रहा है, इस पर मूल्यांकन किया गया, और दस्तावेज जो है, डॉक्यूमेंट्स, उनका क्या किया गया, वेरिफिकेशन किया गया, परीक्षण किया गया। लास्ट में क्या किया गया है, स्टाफ और मरीजों का इंटरव्यू भी लिया गया है, और इन सभी के बेस में NQAS का सर्टिफिकेशन अब मिल चुका है। किसको, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर सांकरा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन की बात करोगे तो MCQ बनेगा कि हाल ही में NQAS सर्टिफिकेशन किस PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर को मिला है। आंसर लगाओगे क्या, सांकरा। इससे ज्यादा बहुत कुछ नहीं। अब नेक्स्ट आ जाइए, क्या है भैया अगला, ध्यान से आप देखेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक है मल्टी डाइमेंशनल पॉवर्टी स्कोर के अनुसार राज्य में 40 लाख लोग गरीबी रेखा से क्या है, ऊपर हो चुके हैं, ठीक है भाई। अब समझते जाइएगा अच्छे से, सतत विकास लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स से संबंधित
जो राज्य योजना आयोग है, स्टेट का प्लानिंग कमीशन है, इसने एक रिपोर्ट तैयार की है, SDG बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़। समझ में आया? तो SDG से रिलेटेड है ये, राज्य योजना आयोग के द्वारा इस रिपोर्ट को लाया गया है और रिपोर्ट का नाम क्या है, SDG बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़। अब समझना ये SDG क्या है। तो ये जो अपन देख रहे हैं ना, ये यूनाइटेड नेशंस का क्या है, आधिकारिक वेबसाइट देख लो, UNDP.org लिखा हुआ है। तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनको ग्लोबल गोल्स भी बोलते हैं, इनको यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में क्या किया था, अडॉप्ट किया था। नेक्स्ट ध्यान रखना कि ये एक यूनिवर्सल कॉल है ताकि हम क्या कर सकें, पॉवर्टी खत्म कर सकें और हमारे प्लैनेट को बचा सकें। और ये कब तक करना है, वर्ष 2030 तक। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे 17 गोल्स हैं जिनको यूनाइटेड नेशंस ने 2015 में अडॉप्ट किया था ताकि गरीबी खत्म हो और हमारे प्लैनेट को बचा सके और 2030 तक यहां जो लोग हैं वो पीस, प्रॉस्पेरिटी, सब चीज को क्या कर सके, एंजॉय कर सके। ठीक है कि नहीं है? तो ये तो हुआ SDG। अब इसी SDG से संबंधित ये रिपोर्ट है जिसको स्टेट का प्लानिंग कमीशन लेकर आया है। ठीक है कि नहीं है? नेक्स्ट ध्यान रखना, रिपोर्ट का नाम मैंने बताया था SDG बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022। क्लियर है? अब इसको फॉर्मली क्या किया गया है, विमोचित किया गया है, लोगों के सामने प्रेजेंट किया गया है। कौन किए हैं? तो राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम, इनके द्वारा किया गया। ठीक है कि नहीं है? कहां किया गया है? नवा रायपुर में किया गया है, योजना भवन। ठीक बात है। अब रिपोर्ट के अनुसार SDG के विभिन्न लक्ष्यों में राज्य द्वारा उल्लेखित उपलब्धि हासिल की गई है। ठीक बात है, कोई बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब सभी गोल्स में से एक गोल है क्या, नो पॉवर्टी। अब इसी नो पॉवर्टी का जो गोल है ना, उससे संबंधित एक इंडिकेटर है, संकेतक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर। और ये जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर है ना, इसके अनुसार हमारे राज्य में 40 लाख लोगों की बात हो रही है कि अब ये लोग क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर हो चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्या क्या याद रखना है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि SDG से संबंधित जो है हमारे स्टेट के प्लानिंग कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार किया। रिपोर्ट क्या है, SDG बेसलाइन और प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़। इसका विमोचन कौन किया है, तो डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम। अब इस रिपोर्ट के अनुसार वन ऑफ द गोल्स क्या है, नो पॉवर्टी। इससे संबंधित एक इंडिकेटर है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर, और यही बताता है कि हमारे राज्य में 40 लाख लोग अब गरीबी रेखा से क्या हो चुके हैं, ऊपर हो चुके हैं मतलब। ठीक है, तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक, अब यहां पर हम बात करते हैं इससे संबंधित प्रश्नों के, क्वेश्चंस की। तो MCQ की अगर बात करें ना, तो सबसे पहला आएगा कि ये जो बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ है, इसका संबंध किससे है, वो SDG उड़ा देगा, SDG उड़ा देगा। सीधा पूछेगा क्या, बेसलाइन एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 छत्तीसगढ़ का संबंध किससे है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से, सतत विकास लक्ष्य से। पहला क्वेश्चन, विमोचन किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम के द्वारा। ठीक है कि नहीं है? थर्ड फैक्ट याद रख लेना, मुझे नहीं लगता कि पूछेगा, बट याद रख लेना कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी स्कोर के आधार पर छत्तीसगढ़ में अब कितने लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो चुके हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको 40 लाख की संख्या को याद रखना है। ठीक बात है। अब अगर मेंस की बात करोगे तो मेंस में ये सीधा तो नहीं पूछेगा, ये आपको काम आएगा ऐसे में। किसमें काम आएगा, ऐसे में, ये फैक्ट को याद रखना, ऐसे में काम आएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है भैया, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया है। किसका, कोदो कुटकी का। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो नहीं करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, समर्थन मूल्य। ठीक है, क्योंकि सरकार भी इसी शब्दावली का प्रयोग कर रही है, यही वर्ड का यूज कर रही है गवर्नमेंट भी। ठीक, तो खरीफ 2022 की अगर बात करोगे,
तो कोदो, ठीक है, तो खरीफ 2022 की बात कर रहा हूं, समझ में आया कि नहीं आया। तो कोदो का समर्थन मूल्य कितना था, 3000 था, ठीक है, और इसके बाद कुटकी का था 3100, कुटकी का था 3100, ठीक है। अब मुद्दे की बात यह है कि समर्थन मूल्य जो है इसकी घोषणा कोदो कुटकी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती। आपको पता होना चाहिए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी जो है ये घोषणा कौन करती है, तो ये केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, एमएसपी और कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, ये लोग बेसिकली क्या करते हैं, ये लोग एमएसपी को सरकार को प्रस्तावित करते हैं कि इतना कर देना करके। सीएसीपी केंद्र सरकार को बताती है कि एमएसपी इतना होना चाहिए, प्रस्तावित करती है कि इतना कर देना करके, लेकिन फिर भी केंद्र सरकार के हाथ में होता है, केंद्र सरकार उसमें फेरबदल कर सकती है, चेंज कर सकती है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइजेस ये सेंट्रल गवर्नमेंट को बताती है और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर अपना दिमाग लगा के उसमें कम ज्यादा करके क्या करती है, एमएसपी की घोषणा करती है। तो अभी तक की जो स्थिति है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट कोदो और कुटकी जो है इसके समर्थन मूल्य को घोषित नहीं करती। तो कोदो कुटकी को समर्थन मूल्य पे घोषणा कौन कर रहा है, तो हमारा स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। खरीफ 2022 में कोदो का 3000 रुपए था और कुटकी का 3100। समझ में आया कि नहीं आया। अब इसको क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाने के बाद क्या किया गया है, खरीफ 2023 वाला जो सीजन होगा, अब इसमें कोदो जो है, पोखो लिख रहा हूं मैं अभी ना, कोदो इसका समर्थन मूल्य हो जाएगा अब 200 रुपए बढ़ाकर 3200 रुपए, और कुटकी जो है इसका समर्थन मूल्य जो है 250 रुपए बढ़ के 3100 से कितना हो जाएगा, 3350। समझ में आया कि नहीं आया। तो कोदो पहले 3000 रुपए समर्थन मूल्य था, अब बढ़कर हो गया 3200, कुटकी पहले 3100 3100 रुपीज था, अब हो गया 3350। अब रुपए के आगे यूनिट क्या है, तो प्रति क्विंटल, पर क्विंटल, समझ में आया। तो एक क्विंटल कोदो को न्यूनतम समर्थन मूल्य में बेचोगे, एमएसपी में बेचोगे, तो 3000 रुपए मिलेगा। वैसे ही एक क्विंटल कुटकी बेचोगे समर्थन मूल्य में तो कितना मिलेगा, 3100। ये बात कब की बता रहा हूं, 2022 के खरीफ सीजन की। लेकिन इसी को आप 2023 के खरीफ सीजन के हिसाब से समझोगे तो क्या होगा, अब कोदो बेचोगे मिलेगा 3200 और अब कुटकी बेचोगे मिलेगा 3350। तो पहले 3000 और 3100 न्यूनतम समर्थन मूल्य कोदो का और कुटकी का था, जो कि अब बढ़ के क्या हो चुका है, तो कोदो का 200 रुपीज बढ़ा है, कोदो का कितना बढ़ा है 200 और कुटकी का बढ़ा है 250। कोदो का 200 रुपए, कुटकी का 250 रुपए, तो 3000 से 3200 हो गया किसका, कोदो का, और कुटकी का 3100 से क्या हो गया है, 3350 रुपीज प्रति क्विंटल, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चन की बात करोगे तो भैया याद रखना, एमसीक्यू सबसे पहले पूछेगा कोदो का और कुटकी का न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस के क्वेश्चन की। तो अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट बन गई तो आप पेपर नंबर 5 में 30 वर्ड्स में इस क्वेश्चन को भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि खरीफ 2023 के लिए राज्य सरकार के द्वारा कोदो और कुटकी का समर्थन मूल्य कितना घोषित किया गया था, व्हाट वाज द सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर कोदो एंड कुटकी फॉर द खरीफ 2023। तीस शब्द का क्वेश्चन रेडी कर लेना, कांग्रेस जीत गई तो। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो यहां पर खत्म होता है भाई, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो फ्रांस ने बस्तर में मऊहा शराब को बनाया अंतरराष्ट्रीय ब्रांड। आपको पता है बस्तर में मऊहा शराब जो है एक प्रकार का जनजाति पेय पदार्थ है कह लो, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। आपको पता होना चाहिए कि ये लोग मऊहा का शराब बनाते भी हैं, अनेक प्रकार के त्योहारों में स्वयं क्या करते हैं, इसका उपयोग भी करते हैं, इसका विक्रय भी करते हैं जनजाति, मतलब इसको क्या करते हैं, सेल भी करते हैं, तो यूज करते हैं, सेल करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। इस प्रकार से ये जो
पेय पदार्थ है, इसका बहुत गहरा संबंध जनजातियों से रहा है। और पता है कई बार तो ऐसा होता है कि बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठानों में इस जनजाति पेय पदार्थ को, ट्राइबल ड्रिंक को चढ़ाया भी जाता है। और जब तक आप चढ़ाओगे नहीं ना, तब तक ऐसा मानते हैं कि जो भी कर्म आप कर रहे हो या जो भी संस्कार आप कर रहे हो वो अपूर्ण है, पूर्ण नहीं हुआ है। समझ में आया? तो ना सिर्फ बनाते हैं, यूज करते हैं, बेचते हैं, बल्कि पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। मतलब इनकी संस्कृति से बहुत ज्यादा रिलेट करता है और जुड़ा हुआ है ये जनजाति पेय पदार्थ, जो कि किससे बना है? मऊहा से। ठीक है कि नहीं है? अब इसको अंतरराष्ट्रीय पहचान, इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल गई है। ठीक है, फ्रांस नाम का एक देश है, इमानुएल मैक्रों, आपको याद होगा। ठीक है, तो ये जो फ्रांस है इसकी एक लिकर कंपनी है, इसने क्या किया है पता है? तो एक ब्रांड निकाला है माह के नाम से। क्या नाम है? माह के नाम से। और मऊहे के फूल से बनी हुई शराब को इस ब्रांड नेम से इसने क्या किया है? लॉन्च कर दिया है। और इस प्रकार इंटरनेशनल रिकग्निशन मिल चुका है क्या? माह को। समझ में आया? तो माह क्या है? तो माह एक ब्रांड है जिसके अंतर्गत मऊहा शराब जो है, जो कि बस्तर में बनी है, उसको ब्रांड करके फ्रांस की कंपनी पूरे विश्व में बेचेगी। ठीक है। अच्छा, इनका बकायदा अपना एक वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट के माध्यम से लोग क्या कर सकते हैं? जाके इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़िया बात है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको क्या पूछेगा प्री में, तो आपको ब्रांड नेम पूछेगा। तो याद रखना, माह किस नाम से इसे बेचा जा रहा है, किस देश की कंपनी बेच रही है, तो ये दो क्वेश्चन याद रख सकते हैं। इवन पता है जनजाति विकास से संबंधित अगर कोई ऐसे आ गया ना, तो आप बता सकते हो कि जनजाति क्षेत्रों में अब क्या हो रहा है पता है? विदेशी कंपनियां आके उनके जो उत्पाद है उनको ग्लोबल रिकग्निशन दे रही है, जिससे कि जनजातियों की ख्याति जो है अब क्या हो रही है? पूरे विश्व में बढ़ रही है। ठीक है, ऐसा भी पॉइंट यूज किया जा सकता है ऐसे में। हालांकि बहुत ज्यादा चांस है कि अगर क्वेश्चन आया भी तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे आएगा? आपको एमसीक्यू वाले सेक्शन से। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है भाई? पर्यावास अधिकार, हैबिटेट राइट्स। तो हैबिटेट राइट्स हमने देखा था अभी कुछ वीडियोस पहले कि छत्तीसगढ़ में पहली बार हैबिटेट राइट्स किसको मिले थे? कमार जनजाति को। ठीक है, अब हैबिटेट राइट्स मिल गए हैं किनको? छत्तीसगढ़ के बैगा जनजाति को भी। तो कमार पहली जनजाति छत्तीसगढ़ की जिसको हैबिटेट राइट्स मिले हैं, और बैगा दूसरी जनजाति है छत्तीसगढ़ को जिसको क्या मिले हैं? हैबिटेट राइट्स मिले हैं। अब ये हैबिटेट राइट्स या पर्यावास अधिकार क्या है? तो ये अधिकार उनकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और संरक्षण का अधिकार प्रदान करते हैं। तो दीज राइट्स विल एंश्योर द कंजर्वेशन ऑफ देयर नेचुरल एंड कल्चरल वैल्यूज। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है ये बात? इस पर बहुत वृहद रूप में ऑलरेडी अपन चर्चा कर ही चुके हैं। थोड़ा सा वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखोगे तो एमसीक्यू के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेगा पहली बार पर्यावास अधिकार किसको मिला था, तो कमार लिखना। सेकंड टाइम पूछेगा किसको, तो बैगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं भाई। तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में आचार संहिता, कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो क्या हो चुका है? लागू हो चुका है। कब से? तो 9/10/2023 से लागू हुआ। आपको पता होना चाहिए इस समय 5 में चुनाव है, कहां कहां पर है? छत्तीसगढ़ है, फिर 2 एम से है, मिजोरम और मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान है, और क्या है? तेलंगाना। ठीक है, वोटिंग कब कब है यार? तो वोटिंग ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर दो फेज में वोटिंग हो रहा है, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद मिजोरम और मध्य प्रदेश को याद रखना बहुत आसान है। छत्तीसगढ़ का पहला डेट जो है ना 7 नवंबर, वो मिजोरम का है, और छत्तीसगढ़ का दूसरा डेट 17 नवंबर, वो किसका है? मध्य प्रदेश का। तो छत्तीसगढ़ का 7/17, मिजोरम का 7, मध्य प्रदेश का 17, ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद राजस्थान का ध्यान रखना 23 नवंबर, और तेलंगाना का 30 नवंबर। राजस्थान 23 डेट ऑफ वोटिंग, तेलंगाना 30 नवंबर। ठीक है, विधानसभा में सीटों की संख्या छत्तीसगढ़ में 90 है, मिजोरम में 40 है, तो 90-40। मध्य प्रदेश राजस्थान, तो मध्य प्रदेश 230 है, राजस्थान में 200 है। फाइनली तेलंगाना में कितना है? 119। ठीक है,
बहुमत निकालोगे तो कैसे निकालोगे बहुमत, 50% प्लस वन, समझ में आया, 50% प्लस वन करोगे तो 90 का 50% कितना है, तो है 45 प्लस वन 46, ये 40, इसका 50% 20 प्लस वन 21, ऐसा करके निकाल लेना, ठीक है। अच्छा, छत्तीसगढ़ में वोटर्स की संख्या कितनी है, 2.03 करोड़, महिला वोटर्स 1.02 करोड़ है, पुरुष वोटर्स कितने हैं, 1.01 करोड़ है, ठीक है। ये बात, चुनाव का परिणाम कब आएगा, तो 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में चुनाव का परिणाम आ जाएगा। भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त तो श्री राजीव कुमार, और छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो है श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर छत्तीसगढ़ की कौन है, श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले जी, ठीक है। अच्छा, अब अगर क्वेश्चंस की बात करोगे तो क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी देख लो जरा। एमसीक्यू के तौर पर आपको पूछेगा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, फिर छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, तो ये दो क्वेश्चन बन जाता है। फिर पूछेंगे कितने राज्यों में चुनाव हुआ है, तो याद रखना 5, इनमें से किसमें हुआ है किसमें नहीं हुआ है, ऐसा भी एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा छत्तीसगढ़ में कुल वोटर्स की संख्या को याद रख लेना, और छत्तीसगढ़ के डेट्स एग्जैक्ट याद होने चाहिए कि 7 और 17 नवंबर दो फेज का चुनाव, और 3 दिसंबर जो है ये क्या है, डेट ऑफ रिजल्ट्स। इतना सारा चीज आपको एमसीक्यू के लिए क्या कर लेना है, याद रख लेना है। आई होप आप लोग प्रॉपरली इतना समझ गए, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आ जाते हैं। जामूल सीमेंट वर्क्स संरक्षित क्षेत्र घोषित हो गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट चलो देख ही लिया जाए। तो जामूल सीमेंट वर्क है उसको जिला कलेक्टर श्री पुष्पेंद्र कुमार मीणा जी ने क्या कर दिया है, तो संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया, ठीक है कि नहीं है। कितनी अवधि के लिए किया है, तो 1 वर्ष की अवधि के लिए। अब इससे क्या होगा, तो ध्यान रखना जितने अधिकृत व्यक्ति हैं विधि के द्वारा, ठीक है, एवं आवेदक द्वारा प्रवेश करने के लिए जो अधिकृत व्यक्ति हैं, इनको छोड़कर बाकी अन्य कोई बाहरी व्यक्ति यहां पर प्रवेश नहीं कर पाएगा, उनका प्रवेश प्रतिषिद्ध होगा, सटकोन का सा आएगा, ठीक है, प्रोहिबिट होगा, ठीक है कि नहीं है। अधिकतम इसका समय जो है संरक्षित क्षेत्र घोषित होने का कितना है, 1 वर्ष है, ठीक है, चलो। लेकिन इस समय में भी परिवर्तन किया जा सकेगा जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा, ये बात ऐसी बताई गई है। अगर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे आप लोग, तो सिर्फ और सिर्फ 1 क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, वो क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि संरक्षित क्षेत्र किसे घोषित किया गया है, तो याद रखना जामूल सीमेंट वर्क्स, ठीक है, तो जामूल सीमेंट वर्क्स को किया गया है, खत्म। अब क्या किया जाए, नेक्स्ट आया जाए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश हैं कौन से क्रम के, 15वें क्रम के, श्री रमेश सिन्हा जी, ठीक है, वेबसाइट जाके देखना हाईकोर्ट का, उसमें इनका क्रम बताया गया है, ठीक है, 15th है श्री रमेश सिन्हा। इन्होंने जो अतिरिक्त एडिशनल न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए हैं नए न्यायाधिपति श्री रविंद्र कुमार, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल पूरा नाम है, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल, इनको क्या करी, शपथ दिलाई, ठीक बात है। तो हमारे चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस रमेश सिन्हा ने क्या किया है, तो एडिशनल जस्टिस जस्टिस श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल जी को क्या किया है, तो 20 अक्टूबर को सुबह 10 बजे शपथ दिलाई है, मतलब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को एक एडिशनल जस्टिस मिला है, ठीक है कि नहीं है। तो चीफ जस्टिस कौन है हमारे यहाँ और कौन से क्रम के हैं, तो 15वें क्रम के हैं, रमेश सिन्हा जी, इनका क्या है पूरा नाम है, ठीक है। किसको शपथ दिलाई गई है, तो जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल को, कब दिलाई गई है, 20 अक्टूबर, ठीक है। क्वेश्चन देखोगे अगर तो पूछ लेंगे भैया नए अतिरिक्त एडिशनल जस्टिस कौन बने हैं, तो नाम दिया रहेगा आपको याद रखना है, श्री रविंद्र कुमार अग्रवाल। फिर पूछेगा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है, तो श्री रमेश सिन्हा। फिर पूछेगा कि कौन सा क्रम है, तो 15। तो इस प्रकार से 3 MCQs आपके यहां से बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटी अगर आप पढ़े होगे तो आपको ध्यान होगा कि आर्टिकल 224 है ना हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वही एडिशनल जजेस के अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है। ये बताता है कि अगर प्रेसिडेंट को ऐसा लगे कि किसी भी हाई कोर्ट में लोड बढ़ गया है या
जजों की संख्या में कमी है तो प्रेसिडेंट जब चाहे तब वहां के लिए क्या कर सकते हैं, एडिशनल जज को अपॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा लिखा है फॉर सच पीरियड नॉट एक्सीडिंग 2 ईयर्स, 2 साल से ज्यादा उनका पीरियड नहीं रहेगा। और दूसरा लिखा गया है कि वो कब रिटायर हो जाएंगे, तो जैसे ही उनका एज क्या हो जाए, 62 हो जाए, ठीक है। तो इतना तो खैर पॉलिटी में आप लोग डिटेल में पढ़ते हो जी, आप लोग सिर्फ इतना याद रख लेना क्या कि ये जो अपॉइंटमेंट हुआ है अतिरिक्त न्यायाधीश एडिशनल जस्टिस का, उसका पावर कौन सा आर्टिकल देता है, तो आर्टिकल 224 कौन करते हैं, तो प्रेसिडेंट करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। और ये आर्टिकल जो है अच्छे से है, इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, ठीक है। चलो फाइनली इस वीडियो को क्या करते हैं, एंड कर देते हैं। अच्छा, कुछ ही ज्ञानी वर्ग के लोग बता रहे होंगे अपने मन में, अरे सर ऐसा नहीं है, ऐसा है कि 2 साल से ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन अगर उस अवधि के अंदर 2 साल से पहले ही वो 62 हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, उनका रिटायरमेंट हो जाएगा। तो भाई उतना तो मैं भी समझता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ठीक, बट वो काम नहीं आएगा छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एनीवेज, चलिए फाइनली अपन क्या करते हैं, इस वीडियो को रैप अप करते हैं क्वेश्चंस के साथ। निम्नलिखित में से किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को NQAS का सर्टिफिकेट मिला है, ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं। सेकंड, छत्तीसगढ़ सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की है, तो ये भी दिया गया है। थर्ड क्वेश्चन, कौन से नगर निगम को प्रधानमंत्री आवास योजना बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड मिला है, तो याद रखना ये रायगढ़ को मिला है, ठीक है, एक आंसर मैं बता देता हूँ। उसके बाद है फोर्थ, छत्तीसगढ़ के बस्तर महुआ शराब को फ्रांस का कौन सा ब्रांड नाम दिया गया है, तो ब्रांड का नाम बता देना। और फाइनली लास्ट में, छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कौन है, इनका नाम आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग क्या कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। और अगला जो वीडियो है इसको नवंबर माह के करंट अफेयर्स के साथ मैं लेकर आप सभी के सामने प्रस्तुत हो जाऊंगा। चलिए तो मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।